बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसी हो अवेयरनेस चैनल के मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स, वॉकिंग करते हैं और आपको कुछ बातें बताते हैं। हमारा जो कहने का मकसद है, जो हम बताना चाहते हैं, आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप लोगों की इल्म में थोड़ा इजाफा हो और आप लोगों को जो है अवेयरनेस मिले। आज का जो हमारा टाइटल है खुशनुमा, खुशनुमा के हवाले से हम बात करते हैं और ये हमारा टाइटल होगा, इस पर हम तफसील पे जाएंगे। खुशनुमा कोई ऐसा चीज़ जो बहुत खूबसूरत हो, दिखने में अच्छा भला खूबसूरत लगता है आपको वो चीज़ कि यह भाई जो है बड़ी हसीन है। जैसे कि आप एक खूबसूरत औरत को देखते हैं, उसको रब पाक ने, अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत बनाया है, उसकी हुस्न को देखते हैं आप, उसकी जमाल को देखते हैं आप ये समझते हैं कि भाई यह भाई बहुत खूबसूरत है। वाकई भी वो खूबसूरत है जो अल्लाह ने उसको हुस्न दिया है, जो रंग दिया है, जो बाल दिए हैं, जो आंखें दिए हैं, वो बहुत खूबसूरत है। तब एक मर्द किसी औरत को पसंद करता है, उसके लिए रिश्ता भेजता है, फिर निकाह में अपना लाता है और दोनों ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इसी तरह जो हम जिंदगी में सोचते हैं, किसी ऐसे चीज़ को देखते हैं, उसका औलिया, उसका डिज़ाइन अपने जहन में बनाते हैं और बहुत से आसरा लगाते हैं, आसरा लगाते हैं और हम जो समझते हैं कि ये बहुत अनमोल इंसान है, ये बहुत कीमती इंसान है, जो ही आप अपने जहन में कुछ चीज़ ऐसे बिठाते हैं, आपको एक बड़ा तवक्कात आपके जहन में पैदा होगी। आप उसको देखते हैं कि यह मेरा जो मसाइल है उसको हल करने में मेरी मदद करेगा और मेरी बातें सुनेगी। ज़ाहिरी सूरत में बहुत खूबसूरत है, जो ही इंसान बोलने लगता है, गुफ्तगू करने लगता है, तो उसके अंदर की खूबसूरती आपको पता चलता है कि वो अंदर से कितना खूबसूरत है। बाहर से तो वो खुशनुमा है, काटन पहना हुआ, सफेद कपड़ा, काला कोट पहना हुआ है, चेहरे भी साफ सुथरे, बाल भी अच्छे, और ज़ाहिरी सूरत है उसका, जो अंदर ही खूबसूरत है। जब वो बोलता है, जब वो बोलने शुरू हो जाता है, तो उसका अंदर का जो खूबसूरती आपके सामने आ जाता है। फिर आप अपना जहन बनाते हैं कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, इस इंसान के पास आया हूँ, ये बहुत खुशनुमा इंसान है, क्या इसकी अंदर की सीरत जो है वो इतना खूबसूरत है जितना कि उसका बाहर का जो है खूबसूरती है, जो बाहर से हम देख रहे हैं क्या अंदर से वो खूबसूरत है। तो इंसान सोचने लगता है, फिक्र करने लगता है और जो है अपनी अमल के लिए सोचता है, मैं किस तरह की अमल करूं और मैं किस तरह से जो है बात करूं, इसके पास जाऊं, इंसान सोचने लगता है। ये खुशनुमा जो चीज़ हमें और आपको नज़र आते हैं, इसकी कुछ मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपके पास एक कीमती चीज़ है, आपका कीमती चीज़ आपका क्या है, आपका होठ है, जो आपने किसी को दिया है, आपने उसकी खुशनुमाई देखी, उसके काम देखे और आपने अपना जहन बना लिया कि भाई ये जो है मेरे लिए कुछ करेगा। मगर यूं ही आप उनके पास जाते हो, उनसे मिलते हो और उनसे जो है गपशप लगाते हो, फिर आपको अंदाज़ा लग जाता है कि मैं गलत दरवाजे पे आया हूँ, मैंने गलत दरवाजे पे दस्तक दिया हुआ है। आप जो हैं बहुत मायूस हो के वहाँ से उठ के चले जाते हैं। हमेशा इंसान को चाहिए कि जो खुशनुमा चीज़ हमें नज़र आते हैं, जो खुशनुमा लीडर हमें नज़र आते हैं, उनकी अंदर के लीडर को भी जानना है, उनकी अंदर की शख्सियत को जानना है, फिर जो है हम कामयाब रहेंगे और फैसला करेंगे कि आने वाले वक्त में हम किसका चुनाव करें। उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये शॉर्टकट वीडियो बनाता हूँ 5 मिनट का, वैसे बहुत से सारी बातें मेरे जहन में जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। जब मैं वॉकिंग में निकलता हूं तो मैं सोचता हूं कि मैं आप लोगों से कुछ बातें करूं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे बातें करूं, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। तो उम्मीद यही है कि
जो भी दोस्त कौन से टॉपिक पे बात सुनना चाहते हैं, हम बात इंशाल्लाह करेंगे। और आप लोग को अपना इलाके का सीनरी भी हम दिखाते हैं, साथ साथ जो हम वॉकिंग कर रहे हैं उसमें आप हमारे इलाके के जो बागात हैं उनको देखते हैं और उनसे जो इंजॉय करते हैं। और ये खूबसूरत बागात हैं, लोगों ने मेहनत किए हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।